राजमहल देखिए। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अयोध्या, श्री राम जी की जन्मभूमि। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे काम बहुत तेजी से चल रहा है, वो जो वहाँ पे ब्लू कलर की बाउंड्री है उसके अंदर बन रहा है नया वाला राम मंदिर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीता भट्ट, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आप लोग सोच रहे होंगे आज इतने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कैसे कर दिया, और वो भी सारा काम वाम करके। तो अब सारा काम वाम हमारा हो चुका है, अभी हम लोग बैठे हैं रेडी होके, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं बताओ? अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सभी, मैं भी मतलब बहुत खुश है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अयोध्या मंदिर श्री प्रभु राम के दर्शन के लिए। तो आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रखा है कि आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या और करके आएंगे श्री राम प्रभु के दर्शन, और मैं आप सभी को भी दर्शन कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत करिए। तो हम लोग निकल गए हैं घर से। हेलो बच्चों। हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। हेलो भैया। हेलो। हेलो दीदी। हेलो दीदी। तो दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आप लोग। फाइनली पहुंच गए हैं अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि में, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर को। तो दोस्तों देखिए बहुत भीड़ हो रखी है इधर, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर। ये रही सौम्या, और ये सौम्या के पापा, और ये रहे कीर्तिसा की मम्मी। कीर्तिसा लोग चले गए आगे। तो दोस्तों अभी यहाँ काम चल रहा है अभी। हेलो राम दरबार, राम दरबार। तो दोस्तों यहाँ से अंदर को फोन वन कुछ नहीं ले जाने देते, फोन होगा यहाँ पे जमा, तो हम आएंगे वापस उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको। तो अभी हम आ रहे हैं राम मंदिर से, वहाँ पे फोन और मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ छोटा सा पर्स लेके जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं, अब हम चल रहे हैं दूसरे मंदिर पे। तो चलिए आपको ले चलती हूँ। तो दोस्तों ये है राजमहल देखिए। तो दोस्तों ये है राम जी का महल देखिए। तो दोस्तों अभी हम आए हैं राजमहल में, ये रहा गेट, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अंदर को। देखिए ये है महाराज दशरथ जी का राजमहल, जहाँ से अभी अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर को।
तो दोस्तों ये है महाराज दशरथ जी का राजमहल। देखिए अब हम यहाँ से अंदर को चलते हैं। दोस्तों अभी हम राजमहल से आ गए हैं बाहर और अभी जा रहे हैं हम कनक भवन। कहाँ? कनक भवन। कनक भवन जा रहे हैं, तो चलिए ले चलते हैं आप सभी को। हेलो सौम्या, आओ बेटा इधर आओ सौम्या। चलेंगे फिर हनुमानगढ़, तो उनको खाने देते हैं उसके बाद फिर से चलते हैं। अभी यहाँ पे पिया जा रहा है नारियल पानी। तो यहाँ पे दुकान में चप्पल उप्पल खोले जाते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रसाद लेके फिर वहाँ पे हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। तो दोस्तों राम मंदिर के
दर्शन करने के बाद अभी यहाँ पास पे ही है हनुमानगढ़ी मंदिर है हनुमान जी का, तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग आरती के समय पे ही आ पहुँचे हैं, तो यहाँ पे अब जस्ट आरती शुरू होने वाली है। हमने सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग चलेंगे घर को। हालत खराब हो गई है अब तो। अब हमने सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग चलेंगे घर को। पहले हम कुछ खाएंगे फिर जाएंगे घर। मैं तो कुछ भी खाऊंगी। हाँ आप कुछ भी खाओगे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं मंदिरों के, सारे मंदिरों के दर्शन करके बाहर को, और सभी बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम लोग सुबह निकल गए थे 6 बजे घर से, और भूख भी लग गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग यहाँ आ पाए, दर्शन वर्शन हो गए बहुत अच्छे से हम लोग, मतलब जिस भी मंदिर में गए जस्ट आरती के टाइम पे गए, हनुमान जी के मंदिर में भी आरती के टाइम पे गए, और वहाँ पे राम मंदिर में, वहाँ पे राम जी का मंदिर था उसमें भी हम लोग आरती के टाइम पे पहुँचे, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे पूरा बन रहा है जो नया राम मंदिर बनने वाला है उसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पूरा तो नहीं दिख पा रहा है पर जितना दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिएगा आप। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो जो वहाँ पे ब्लू कलर की बाउंड्री है उसके अंदर बन रहा है नया वाला राम मंदिर, और वो भैया वहाँ को जा रहे हैं वीडियो बनाने जा रहे हैं शायद। और ये यहाँ था पुराना वाला जहाँ से हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, तो यही था। अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे, हमारा वेट हो रहा है, बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि सभी थक चुके हैं बहुत, सुबह से निकले हुए हैं, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। कृति सा और सौम्या ने तो अभी थोड़ा सा चाट वगैरह खाया था, तो अब हम लोग भी चलते हैं, नाश्ता वास्ता लेके आए हैं घर से और नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। दर्शन वर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, मतलब दोनों जगह हम लोग आरती के टाइम पर पहुँचे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोगों ने आरती भी देख ली, और अब हम लोग चलते हैं, बहुत थक चुके हैं ये तो आगे ही थक गए थे तो अब हम लोग नाश्ता वास्ता बना के लाए हैं, गाड़ी भी रखा हुआ है, तो वहीं चलते हैं और करते हैं नाश्ता वास्ता, उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो वीडियो में बनी रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पिया जा रहा है अभी गन्ने का जूस। हाँ हाँ पियो, हाँ ठीक है पी लो, फिर आप पी लो, पकड़ो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी सरयू नदी में, सरयू नदी के घाट पर आ चुके हैं, घाघरा नदी है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं अभी घाघरा नदी में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आए यहाँ पे सरयू घाट में स्नान करने के लिए, तो इतने बड़े धाम में आए हैं तो स्नान करना तो बनता है, तो हम लोगों ने स्नान कर लिया है और यहाँ पे भैया भर रहे हैं पानी, और बच्चों को देखिए फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने करा नाश्ता, तो नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग गए नाव पे बैठने, क्योंकि यहाँ पे ना सभी लोग बहुत सारी नाव थी और सभी लोग नाव पे बैठे थे, तो हम लोग भी चले गए और फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर लास्ट में तो दोस्तों मंदिर के दर्शन अर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस से घर के लिए। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जय सिया राम जरूर लिखिए कमेंट में। ओके दोस्तों बाय।